नमस्कार, टारगेट ऑन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नवीन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सभी लोग? सो प्यारे बच्चों, ये एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच आप लोगों के लिए असाइंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और निरंतर रूप से कक्षाएं आपको इसमें मिल रही होंगी, है ना, जिसमें अभी तक हम लोग 30 डेज का सब्जेक्टिव फॉर्मेट लेके चल रहे हैं और 30 डेज का प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। जैसे कुछ बच्चे बोले कि टॉपिक के बाद ही क्वेश्चन करवा दिए जाएं, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हर सब्जेक्टिव सेशन हो जाने के बाद 30 दिन के बाद फिर 30 दिन प्रैक्टिस ही करना है, है ना। तो जिस भी क्वेश्चन पे आपको समस्या लगा करेगी तो एक बार टॉपिक को जरूर रिवाइज कर लेंगे, तो आप देखेंगे सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे मुगल वंश के बारे में और जरा समझते हैं कि इनको हम कैसे समझ पाएं और क्या क्या प्रश्न इसके संदर्भ में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें ईरान, इराक और तुर्क। ईरान, इराक और तुर्क, यहाँ पे जो शासक है जिसका नाम है तैमूर, और तैमूर के पांचवें वंशज हैं मुगल लोग, है ना। और ये अपने आप को मुगल तैमूर के वंशज कहलाने पे गर्व महसूस करते हैं, जो मुगल वंश के लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे चीन और मंगोल, वहाँ पे शासक है तैमूर, है ना, माफी चाहते हैं चंगेज खान नाम सुने होंगे, जिसका वास्तविक नाम है तैमूचिन। और चंगेज खान के संदर्भ में 14वें वंशज हैं मुगल लोग, लेकिन ये चंगेज खान के वंशज कहलाने पे ये गर्व महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उनके चित्रों पे, उनकी जो भी पेंटिंग वगैरह है उसमें कई सारे नरसंहार दिखाए गए हैं। तो चंगेज खान के वंशज कहलाने पे इनको गर्व महसूस नहीं होता है, वहीं दूसरी तरफ तैमूर वंशज कहलाने पे इनको गर्व होता है। तो मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसी को रूपरेखा को ड्रॉ कर लेंगे मुगल वंश के संदर्भ में। ईरान, इराक, तुर्क, है ना, ईरान, इराक और जो तुर्की वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो शासक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे शासक है तैमूर। यहाँ का शासक कौन है? यहाँ का शासक है तैमूर। और तैमूर के पांचवें वंशज हैं, ध्यान रखना है कौन? मुगल लोग। तैमूर के पांचवें वंशज हैं मुगल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसके कौन से वंशज हैं, तो तैमूर के पांचवें वंशज हैं मुगल। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि तैमूर के वंशज कहलाने में ये गर्व महसूस करते हैं, तो तैमूर के वंशज कहलवाने में ये गर्व महसूस करते हैं, है ना, तैमूर के वंशज कहलवाने में ये गर्व महसूस करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, तैमूर के वंशज कहलवाने में ये गर्व महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना, मंगोल, चीन और मंगोल, और यहाँ का जो शासक है वो है चंगेज खान। बिल्कुल स्पष्ट है चंगेज खान, इसका वास्तविक नाम आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, चंगेज खान का वास्तविक नाम आपको ध्यान रखना है तैमूचिन। और चंगेज खान की तरफ से अगर बात करें तो ये 14वें वंशज है मुगल। कौन है मुगल? 14वें वंशज हैं, लेकिन ये चंगेज खान के वंशज कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। चंगेज खान के वंशज कहलवाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये भी हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत चंगेज खान और ये जो आपने देखा तैमूर, अब इसके अंतर्गत फाइनली मुगल वंश के अंतर्गत कौन आए, उनका क्रम आपको ध्यान हो, उनके वास्तविक नाम आपको ध्यान हो, उनकी समाधियाँ कहाँ हैं, ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मुगल हैं इन दो महान वंशों के वंशज हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो मुगल हैं, मुगल इन दो महान वंशों के वंशज हैं। इस तरीके से बना के नोट कर लें, तो कौन कौन है? तैमूर है एक तरफ और एक तरफ है चंगेज खान, और कहाँ कहाँ के शासक हैं ये आपको पता लग गया। पांचवें वंशज की बात करें तैमूर की तरफ से, 14वें वंशज की बात करें तो चंगेज खान की तरफ से। क्लियर है यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हेडलाइन दीजिएगा मुगल वंश, और कैसे मुगल वंश तो हेडलाइन दिए होंगे, अब इसमें कैसे लिखना है आपको जरा वो समझ पाए। ले लिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। एक तरफ लिखेंगे शासक, एक तरफ लिखिए शासक, एक तरफ लिखेंगे आप लोग शासक, और एक तरफ लिखेंगे इनका वास्तविक नाम, एक तरफ लिखिएगा इनका वास्तविक नाम, और एक तरफ लिखिएगा इनकी समाधि, इनकी समाधियां कहाँ हैं। देखिए इतिहास विषय का तो यही बेनिफिट है, अब सारा मामला फिक्स है, जा चुके हैं, लोकेशन याद रखें, वास्तविक नाम याद रखें, अब उसमें कोई बदलाव तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इनके क्रम को याद रखना है, बाबर से लेके औरंगजेब तक का मामला आपके कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यहीं तक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला शासक कौन है, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, सबसे पहला शासक है बाबर, बाबर। दूसरे नंबर पे हुमायूं, दूसरे नंबर पे हुमायूं, है ना। और इसी के बीच एक शासक और आएगा जिसका नाम है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। तीसरा शासक आएगा अकबर, चौथा शासक आएगा शाहजहां, माफी चाहते हैं जहांगीर, है ना, जहांगीर, जहांगीर। और उसके बाद पांचवा शासक आएगा शाहजहां, शाहजहां। और छठा शासक आएगा औरंगजेब, और तो ये छह क्रम में आपको याद रखने हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये शासक इनके वास्तविक नाम क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, ट्रिक यहीं पे मेंशन कर लेंगे हम लोग, यहीं पे ट्रिक मेंशन कर लेंगे। और वो ट्रिक क्या है कि बहु आज शर्माओ, बहु आज शर्माओ, नाम ध्यान रखना है, बहु आज शर्माओ। तो बा से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, ओ से औरंगजेब, क्लियर है। तो ये क्रम याद रखना है इनके संदर्भ में। अब दूसरे पॉइंट की तरफ अगर बात करें इनके ईयर्स की, तो कौन से समय से लेके कौन से समय तक, तो 1526 से लेके 1530, यानी इससे पहले जो हम लोग कालखंड देखे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में, है ना। 1526 में लोधी वंश समाप्त हो गया, बाबर समाप्त कर देता है, तो फाइनली 1526 से 1530, 1526 से 1530 तक शासन रहता है बाबर का। हुमायूं यहाँ पे दो बार शासन करता है, 1530 से कह सकते हैं 1555 तक, दो बार शासन करने वाला एक ही शासक हुमायूं, 1530 से 1555। लेकिन इसी बीच शेरशाह सूरी जो डिस्टर्ब करेगा हुमायूं को, जो डिस्टर्ब कर रहा करेगा हुमायूं को, और इसका शासन काल आप ध्यान रखेंगे 1540 से 1545, ठीक है, 1540 से 1545, 1540 से लेकर 1545। फिर अकबर की अगर बात करें तो ये 1556 से 1605 तक रहा, 1556 से 1605 रहा। देखिए इसी बीच भारत में अंग्रेज यूरोपीय आगमन होगा, अंग्रेज लोग ब्रिटिशर्स का भारत आए, तो अकबर का शासन चल रहा है 1605 तक, ये यहाँ पे टिका हुआ है। जहांगीर अगला शासक है, जहांगीर, और ये 1605 से लेकर 1627 तक, कितना 1605 से लेकर 1627 तक इसका कालखंड, ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर आता है शाहजहां, 1627 से 1658, 1627 से लेकर 1658 तक, और फिर औरंगजेब 1658 से लेकर 1707। ये टॉप टैलेंटेड शासक रहे मुगल वंश के अंतर्गत, और औरंगजेब के बाद मुगल वंश पतन की ओर, लड़खड़ाहट की ओर चल पड़ा, और फाइनली अंततः मुगल वंश का पतन हो गया। तो ये टॉप टैलेंटेड शासक हैं जिनके बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलता है। अब जरा इनके वास्तविक नाम की बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या है, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का वास्तविक नाम क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। तो इसका मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा है काबुल में, बाबर का मकबरा, बाबर का बुल, काबुल, ऐसे याद रख सकते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। हालांकि इसका जो निधन हुआ वो तो आगरा में हुआ, पहले आगरा में समाधि बनाई गई, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी समाधि काबुल में हो, है ना। तो काबुल में इसका मकबरा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आया हुमायूं, हुमायूं के वास्तविक नाम की बात करें तो इसका नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं।
और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, हुमायूं टॉम्ब, आपने सुना होगा, हुमायूं टॉम्ब कहाँ है? दिल्ली, ठीक है जी। उसके बाद शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी की बात करें तो फरीद खां इसका वास्तविक नाम है, ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या है? फरीद खां। और इसका इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। ऐसा बताते हैं इसने अपना मकबरा मरने से पहले स्वयं ही बनवा लिया था, तो ये वो मकबरा है ना। फिर उसके बाद आया अकबर, अकबर की बात करें तो इसका वास्तविक नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरा नाम, वास्तविक नाम है जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर की अगर बात करें तो अकबर का मकबरा देखने को मिलेगा सिकंदरा में। कहाँ मकबरा है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, बिल्कुल याद रहे। वहीं पे बात करें जहांगीर, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम, शेखू के नाम से भी बोला जाता है, तो सलीम इसका वास्तविक नाम आप लोग याद रखें, सलीम, है ना। और जहांगीर के मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा लाहौर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लाहौर, ठीक है। वहीं पर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का वास्तविक नाम देखने को मिलता है खुर्रम, नाम याद रहे, क्या है? खुर्रम, खुर्रम इसका वास्तविक नाम देखने को मिलता है। और शाहजहां का मकबरा आगरा में, कहाँ बनाया गया है? आगरा बनाया गया है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखें, ठीक है। वहीं पे बात करें औरंगजेब की तो इसके वास्तविक नाम की तो कोई चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन इसके मकबरे की जो चर्चा मिलती है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका मकबरा बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? इसके वास्तविक नाम के आगे डैश डाल दे रहा हूँ, इसकी कोई उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका मकबरा जरूर बना है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसका मकबरा बना हुआ है। तो ये बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपके एक ही पेज पे, याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, इनके वास्तविक नाम क्या है, शासक का क्रम याद रखें, याद रखने के लिए ट्रिक आपको दे दी गई है ताकि आप भूले नहीं, इनके वास्तविक नाम के संदर्भ में और इनकी समाधियों के संदर्भ में क्या प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहां तक की पिक्चर? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हाँ जी। अब हेडलाइन दीजिए बाबर। अब एक एक करके सभी मुगल वंश के शासकों को समझ लेते हैं जहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है ना। देखिए इनकी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा बात करनी है, कौन कौन से अभियान रहे, क्या इनका जीवन परिचय रहा, वहां से प्रश्न देखने को आ जाता है। हेडलाइन दीजिएगा बाबर 1526 से 1530, 1526 से, अब हम ईयर नहीं लिखेंगे, अब लिख चुके हैं एक बार, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हेडलाइन दीजिए बाबर, हेडलाइन दीजिएगा बाबर, बाबर, है ना। तो भारत में बात करें कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक अगर कोई है तो बाबर ही है ना। तो लिखेंगे संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक अगर कोई है तो कौन है? बाबर, भारत में मुगल वंश का संस्थापक। इसके कुछ जीवन परिचय की अगर बात करें तो वास्तविक नाम तो इसका जान ही पाए हैं। इसके जन्म के बारे में 14 फरवरी को इसका जन्म हो रहा है। ईयर के साथ कई बार देखने को आया है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तैयार रहें। 14 फरवरी 1483 जन्म हो रहा है इसका, कब? 14 फरवरी 1483 में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है ये भी पॉइंट ध्यान रखें, फरगना एक नामक जगह है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में फरगना, फरगना एक क्षेत्र है उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पे इसका जन्म हो रहा है उज्बेकिस्तान। वैलेंटाइन डे से कनेक्ट करके याद रखो भैया, 14 फरवरी को इनका जन्म हो रहा है, 14 फरवरी 1483 को फरगना उज्बेकिस्तान में। क्लियर है जी? हाँ जी। इनके पिता की बात करें तो उमर शेख मिर्जा है जो कि फरगना के शासक हुआ करते थे। पिता कौन है? पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा पिता है। माता की अगर बात करें तो माता का नाम याद रखें उमर शेख मिर्जा, पिता है फरगना के शासक हैं। वहीं पे अगर इनकी माता के बारे में बात करें तो माता है कुतलुग निगार खानम इनकी माता कौन है? कुतलुग निगार खानम ये इनकी माता, ठीक है जी। माता पिता का नाम ध्यान रखना है, ये फरगना के शासक हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फरगना के शासक, ठीक है जी। फरगना के शासक कौन है? उमर शेख मिर्जा, जो कि पिता है बाबर के। यहाँ पे बात करें और राजधानी ये उस समय वहां होती थी अंदीजान, नाम याद रखना है, क्या है? राजधानी अंदीजान। राजधानी की बात करें तो क्या नाम है? अंदीजान, अंदीजान राजधानी, ये इसकी
ये बाबर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बाबर के संदर्भ में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब हेडलाइन दीजिए, बाबर के महत्वपूर्ण अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चार अभियान तो बिल्कुल कंठस्थ हैं जहाँ से बार बार प्रश्न आता है, लेकिन उन चार अभियान से पहले भी चार अभियान कर लिए, तो भारत में बात करें तो टोटल मिला के आठ अभियान करता है, लेकिन हमारे काम के चार महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने हैं। ट्रिक के माध्यम से भी याद रख लेंगे, क्योंकि उनका क्रम भी कई बार देखने को मिल जाता है, कि क्रम में लगाइए किस किस के बीच हुआ ये बताइए, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न, हेडलाइन दीजिएगा बाबर के भारतीय अभियान, भारत में ऐसे लिखेंगे, भारत में बाबर के अभियान, भारत में बाबर के अभियान, यह हेडलाइन दे दीजिए। और इसमें कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक लिख लेते हैं हम लोग ताकि भूले नहीं, एक ट्रिक का सहारा जरूर ले लेंगे। पंखा चला घर में, है ना। तो कौन कौन से युद्ध हैं, क्रम याद रहे, पहला पानीपत का युद्ध 1526, पानीपत का युद्ध 1526, 26, 27, 28, क्रम है बिल्कुल, है ना। पंखा पासे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध 1527, चा से चला चंदेरी का युद्ध, और ये कब हो रहा है, 1528। और फिर घाघरा का युद्ध, ये कब हो रहा है, 1529 में, बिल्कुल याद रहे। पंखा चला घर में, चार महत्वपूर्ण युद्ध भारत में, इसके चार महत्वपूर्ण अभियान, ठीक है जी। अब पानीपत का युद्ध किन किन के बीच हो रहा है ये आपको याद रहे। अब भाई बाबर के साथ तो सभी का युद्ध हो रहा है, बाबर के साथ सबके साथ युद्ध हो रहा है, लेकिन हुआ किसके साथ, पानीपत के युद्ध की बात करें तो इब्राहिम लोधी के साथ इसका युद्ध हो रहा है 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध होता है, और इसी में तुगलमा नीति का प्रयोग करता है। किस नीति का, पहली बार तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया। तुगलमा नीति का प्रयोग कौन से युद्ध में किया बाबर ने, तो पानीपत के युद्ध में किया, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहीं पे इस युद्ध को जीत लेने के बाद कोहिनूर हीरा, आपने पढ़ा होगा कोहिनूर हीरा, पढ़े थे हम लोग, है ना, गोलकुंडा की खान से अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है, पढ़ लिए थे हम लोग, राइट। तो कोहिनूर हीरा अपने पुत्र हुमायूं को दे देता है, कोहिनूर का ट्रांजेक्शन देखिए, कोहिनूर हीरा अपने पुत्र, भाई बहू बासे बाबर, हूं से हुमायूं, कोहिनूर हीरा अपने पुत्र हुमायूं को देता है। ये दो पॉइंट यहां ध्यान रखें, किन के बीच हुआ है, इब्राहिम लोधी, और कौन विजयी है, ये जितने शासक लिखेंगे सब पराजित हैं, बाबर ही जीतेगा, सभी अभियानों में बाबर विजयी रहा। क्लियर है यहां तक? तो इसके संदर्भ में ये पॉइंट ध्यान रखना है। वहीं पे बात करें खानवा का युद्ध 1527 में हो रहा है, खानवा कहां पड़ता है, पानीपत कहां पड़ता है ना, हरियाणा। खानवा कहां पड़ता है, राजस्थान। खानवा कहां है, राजस्थान में है, लोकेशन बिल्कुल पता रहे, ठीक है। खानवा का युद्ध हो रहा है बाबर और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में तो इसकी सेना ने मना भी कर दिया कि नहीं भैया, राणा सांगा युद्ध नहीं कर सकते हैं, बहुत खतरनाक है, लेकिन फाइनली युद्ध होता है इसके अंतर्गत, है ना। तो यहाँ पे जरा समझ पाए कि खानवा का युद्ध हो रहा है राणा सांगा के साथ, किसके साथ हो रहा है, राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध। जीतेगा कौन, फाइनली बाबर ही जीतेगा। और यहीं पे जब इसकी सेना मना करने लगी, नहीं भैया राणा सांगा है, तो जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा मतलब कि मुस्लिम धर्म को आगे लेके चलना है, तो उससे इसकी जो सेना है वो प्रोत्साहित हो जाती है। तो जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, खानवा का युद्ध, इसी में इसने क्या दिया, जिहाद का नारा, ठीक है जी, जिहाद का नारा इसी युद्ध के अंतर्गत दे रहा है। और जब इस युद्ध को जीत रहा है तो गाजी की उपाधि धारण करता है, गाजी, है ना, गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की, खानवा के युद्ध के बाद। गाजी का मतलब होता है कि हिंदुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, काफिर जिसको कहा जा रहा है, तो गाजी की उपाधि ये यहाँ धारण कर ले रहा है। चंदेरी का युद्ध, अगला युद्ध है चंदेरी, पहले समझते चले, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चंदेरी
चंदेरी की बात करें तो चंदेरी किस लोकेशन पे है? आज की डेट में मध्य प्रदेश में वो लोकेशन देखने को मिलती है। तो चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पानीपत का है हरियाणा, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना, पानीपत का है हरियाणा में, ठीक है। खानवा राजस्थान, चंदेरी का युद्ध हो रहा है 1528 में, किसके बीच? बाबर और मैदनी राय। यहाँ पे किसके बीच हो रहा है? बाबर और मैदनी राय। कौन विजयी होगा? बाबर ही विजयी होगा। बस क्रम ध्यान रखना है, किसके बीच कब कब हुआ, 26, 27, 28, 29, ये भी बिल्कुल क्रम में है। पंखा चला घर में, कितना आसान हो गया, है ना। तो चीज़ें आसान है, आसान तरीके से आपके सामने आ रही है। तो मैदनी राय के साथ युद्ध हुआ, इसमें इसको पराजित कर दिया। इसी युद्ध में अफगान का शासक होता है शेरशाह सूरी, और वो इसकी मदद करता है। इसके अंदर सेनापति होता है शेरशाह सूरी, जो आगे चल के स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करेगा। तो इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, शेरशाह सूरी का योगदान देखने को मिला। और अंतिम युद्ध घाघरा के युद्ध 1529 में, और ये हुआ बाबर और महमूद लोधी, नाम याद रखना है, 1529। और घाघरा कहाँ पड़ता है? घाघरा नदी कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन है? घाघरा लगभग राजस्थान वाला लोकेशन है। तो घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हो रहा है? महमूद लोधी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, घाघरा का युद्ध महमूद लोधी यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, महमूद लोधी के बीच हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो इसका युद्ध था वो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। कैसा युद्ध था? जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो ये भारत पे बाबर के अभियान चारों में विजयी रहा। क्रम याद रखें, किसके क्रम में किसके साथ हो रहा है। यहाँ पे देखा राणा सांगा के साथ है, यहाँ पे देखा मैदनी राय के साथ है, और यहाँ पे महमूद लोधी के साथ है। सब में बाबर विजयी है। स्पष्ट है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, छोटा सा हेडिंग दीजिएगा, बाबर के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, बाबर और लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखने हैं। वो क्या है? बाबर की आत्मकथा की बात करें तो वो है बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी गई है ना, जिसको बोला गया तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, जिसको बोला गया बाबरनामा। जहाँ पे भी नामा लग जाए समझ जाओ तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में बाबरनामा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसका फारसी अनुवाद आगे चल के करते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका फारसी अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि देता है अकबर। आगे चल के हम लोग बात कर रहे होंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट रहे, इसकी आत्मकथा को लेके, तुजुके बाबरी, बाबरनामा इसकी आत्मकथा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप अब लिखने जा रहे हैं, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का इसने जारी करवाया। SSC कई बार ये एग्जाम रिपीटेडली पूछ चुका है, शाहरुख नामक सिक्का कौन लेके आया? शाहरुख खान मत सोचने लगा, फिल्म स्टार है ना। तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का कौन लेके आया? बाबर। ठीक है जी, आत्मकथा यहाँ पे ध्यान रखें, दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने। और सबसे महत्वपूर्ण अगला, सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी को ये प्रचलित करवाता है, कि सड़कों को जो मापा जाएगा वो गज ए बाबरी के हिसाब से मापा जाएगा। तो सड़कों की माप के लिए, तीसरा पॉइंट सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी इसका प्रयोग करता है। तो इसके संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण बिंदु बाबर के संदर्भ में आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। अब इसके बाद अगला इसका पुत्र आता है हुमायूं।
इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखने हैं जहाँ से आपको प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है हुमायूं 1530, क्योंकि 1500 हमने देखा 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की, तो आगरा में इसको दफनाया जाता है पहले, लेकिन इसकी अस्थियों को बाबर नामा में ऐसा मिला, जो आत्मकथा इसकी लिखी गई आत्मकथा में जो इसने मेंशन किया कि मैं चाहता हूँ कि समाधि काबुल रहे, तो फाइनली इसकी सब अस्थियों को निकाल के काबुल शिफ्ट कर दिया जाता है, तो फाइनली इसका मकबरा काबुल में है। ठीक है, प्रारंभ में मकबरा कहाँ था? आगरा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद अगला शासक बनता है हुमायूं, 1530 में ये शासक बनता है और 1556-55 तक लगभग इसका शासन रहता है। अगला हेडलाइन देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हेडलाइन दीजिए, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर, बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला हेडलाइन दें हुमायूं, अगला हेडलाइन दीजिएगा हुमायूं, अगला हेडलाइन दीजिएगा हुमायूं। देखिए हुमायूं के बारे में बात करें, वास्तविक नाम हम लोग जान चुके हैं, वास्तविक नाम क्या है, समाधि कहाँ है, दिल्ली में है, है ना। अब इसका राज्याभिषेक कहाँ हो रहा है? 1530 में आगरा में इसका राज्याभिषेक करवाया गया, 1530 में, 1530 में आगरा में, 1530 में आगरा में इसका राज्याभिषेक, इसका इसका राज्याभिषेक किया गया, किया गया। ठीक है जी, 1530 में इसका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद इसने जब अभियान करने शुरू किए तो कुछ अभियान तो इसके लिए महत्वपूर्ण रहे, लेकिन कुछ अभियान में इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और शेरशाह सूरी इसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। एक समय तो ऐसा आया कि इसको भारत से निर्वासित होना पड़ा, और उसी निर्वासन में ये विवाह करता है, और फिर फाइनली अकबर नामक पुत्र की इसको प्राप्ति होती है, है ना। तो सबसे पहले इसके अभियान कौन से हैं उसको देख लेते हैं, जहां से प्रश्न मिलता है। छोटा सा हेडिंग देंगे इसी में, हुमायूं के अभियान, हुमायूं के अभियान इसको ध्यान रखें, हुमायूं के अभियान। सबसे पहले अभियान की अगर बात करें, इनके क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले नंबर पे कौन हुआ, हालांकि मैं ईयर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसका जो अभियान देखने को मिलता है वो है कालिंजर अभियान, एमपी में पड़ता है कालिंजर क्षेत्र, एमपी में कालिंजर क्षेत्र, है ना। तो 1531 में अगले साल ही अभियान करता है कालिंजर अभियान, 1531 में कौन सा अभियान कर रहा है? कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान, ठीक है जी, कालिंजर अभियान। और ये किसके बीच होता है? हुमायूं तो इन्वॉल्व है ही है, और कौन है? प्रताप रुद्रदेव इस समय यहाँ का शासक है, इसके साथ होता है। फाइनली समझौते के साथ इस युद्ध को समाप्त करना पड़ता है, किसके साथ हो रहा है? हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव के बीच, हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच ये होता है, इन दोनों के बीच हो रहा है, और फाइनली समझौते के साथ इसको समाप्त करना पड़ा, समझौते के साथ समाप्त हुआ ये युद्ध। आपसे प्रश्न कैसे रहेगा, आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कालिंजर अभियान, हुमायूं का कालिंजर अभियान किसके मध्य लड़ा गया, या आप कह सकते हैं हुमायूं का कालिंजर अभियान किसके साथ हुआ, तो प्रताप रुद्रदेव। कालिंजर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, ये लोकेशन याद रखेंगे, कहाँ पड़ता है? एमपी में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हुमायूं का कालिंजर अभियान एमपी में है, प्रताप रुद्रदेव के साथ ये अभियान इसका हो रहा है। ठीक है जी, अगला महत्वपूर्ण अभियान, सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न मिलना ही मिलना है, वो है 1539 का चौसा का युद्ध, और चौसा लोकेशन पड़ती है बक्सर में, 1539 चौसा का युद्ध। अगला लिखेंगे 1539 का चौसा का युद्ध, चौसा का अभियान, और चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में, चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में। और ये किन किन के बीच हो रहा है? बिल्कुल ध्यान रहे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध होता है 1539 ईयर के साथ, याद रखना है। आप देख रहे होंगे अब तक हमने बहुत कम ईयर लिखे हैं, लेकिन जो ईयर आपकी नोटबुक में आ गए हैं, बोर्ड से जो जो गुजर रहा है, एक भी ईयर छोड़ना नहीं है। ऐसा बताते हैं कि हुमायूं गंगा नदी में जाके कूद जाता है इस युद्ध के बाद, और हालांकि फाइनली बचा लिया जाता है, कोई मछुआरे इसको बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी चौसा का युद्ध शेरशाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद ये शेर खां की उपाधि धारण करता है, जो कि अब तक शेरशाह हुआ करता था, फरीद खां बचपन का नाम हुआ करता था। इस युद्ध के बाद शेरशाह विजयी रहा, और इस युद्ध के बाद शेरशाह ने शेर खां की उपाधि धारण की, शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि
शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि धारण की, कौन से युद्ध के बाद धारण की, यहां पे पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेने, शेर खां की उपाधि धारण की 1539 का चौसा का युद्ध। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण, और देखिए अब इसका लक्ष्य क्या बन गया, शेरशाह सूरी में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि अब दिल्ली पे अपना शासन स्थापित करना, जो कि अभी तक कहीं ना कहीं बिहार में है ना, हालांकि जन्म इसका आगरा में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका एक ही लक्ष्य बन गया शेरशाह सूरी का कि अब दिल्ली पे शासन करना है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र रहा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं है ना। उसके बाद देखेंगे अगला युद्ध 1540 का कन्नौज का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगला युद्ध है 1540 का कन्नौज का युद्ध, अगला लिखेंगे 1540 का कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज कहाँ है, यूपी में ना, कन्नौज का युद्ध 1540 का कन्नौज का युद्ध, ये युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से बनेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा, यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर ना था कि पिक्चर, हाँ जी। अब यहां पे बात करें तो ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच हो रहा है, शेरखां की उपाधि धारण कर ही चुका है, शेरशाह इसमें विजयी होता है और हिंदुस्तान का शासक बन जाता है, सो अपने आप को घोषित कर देता है ना। इसमें किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ, और यही विजयी हुआ। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का शासक बना। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान का शासक, किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का शासक बन गया, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज, इसको बोलते हैं बिलग्राम नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक अलग नाम भी ध्यान रखेंगे, और डाल के लिख सकते हैं इसी कन्नौज को बिलग्राम भी कहा जा रहा है, बिलग्राम है ना, बिलग्राम का युद्ध कह लो या कन्नौज का युद्ध कह लो, एक ही बात है, शेरशाह सूरी हिंदुस्तान का शासक बन गया। और फाइनली इस युद्ध में एक इसको लॉस जरूर हुआ, इसका पुत्र कुतुब शाह मारा जाता है, तो बहरहाल लेकिन फिर आगे बढ़ा है ना। अब इसके बाद शुरू हो गया हुमायूं का निर्वासन काल, ऐसा बताते हैं कि 15 वर्षों तक ये निर्वासित रहा और घुमक्कड़ी जीवन जीता रहा, और इसी 15 साल के निर्वासन काल में इसने विवाह कर लिया है ना, इसकी जो पत्नी रही हमीदा बानो बेगम, इससे विवाह कर लेता है, और फाइनली इसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो कि है अकबर है ना। ये चीज़ अभी आप देखेंगे आगे चल के कि हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी, इसका एक दीन पना नामक पुस्तकालय होता है, उसी पे लुढ़कते लुढ़कते ये मर जाता है। तो एक इतिहासकार है लेन पुल, जो बोलते हैं कि भैया ये जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते अंततः मर गया, ये स्टेटमेंट किसके लिए है, हुमायूं के लिए है ना। तो इसके बाद 15 वर्षों का यानी 1540 से 1555 तक, 15 वर्षों तक निर्वासन काल, 1540 से 1555, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला लिखिए 1540 से 1555, 1540 से 1555 का निर्वासन काल, निर्वासन काल। तो इसमें लिखेंगे एक पॉइंट बना के कि हुमायूं 15 वर्षों तक घुमक्कड़ी जीवन हुमायूं ने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ी जीवन जिया, और इस दौरान विवाह भी किया हमीदा बानो बेगम से, हमीदा बानो बेगम से इसने विवाह कर लिया। ठीक है जी, महिला का नाम ध्यान रखें किससे विवाह हो रहा है। और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ, 15 अक्टूबर 1542 है ना, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हो गया। ठीक है जी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हो गया, निर्वासन काल के दौरान ये कार्यक्रम
हो रहा है यहाँ पे, और फिर फाइनली ये वापस आता है और 1555 में दो युद्ध इसको लड़ने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली ये हिंदुस्तान का शासक बन जाता है। क्योंकि इस समय तक शेरशाह सूरी नहीं बचा, 1540 से 1545 तक ही वो रहा, 5 साल ही उसका शासन रहा। अभी देखेंगे उसके बारे में भी, उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो उसके बाद जब ये दोबारा आया तो उसको दो युद्ध लड़ने पड़े, दोनों के डेट के साथ युद्ध याद रखने हैं। कौन सा युद्ध है, क्या नाम है, किस तारीख, किस डेट में हुआ है, किस ईयर में हुआ है, ये जरूर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 1555 में जब वापस आया है, 1555 तक निर्वासन काल रहा, पुत्र का जन्म हो गया है, अकबर ने जन्म ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 1555 में हुमायूं को, नेक्स्ट पॉइंट, 1555 में, 1555 में हुमायूं को अफगानों के साथ दो युद्ध लड़ने पड़े। अब दो युद्ध कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पहला युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध, है ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई बुक में आपको इसका डेट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन डेट के साथ याद रखें क्योंकि डेट के साथ अब मिलने लगा है, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555, पहला युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555, जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है जी, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो ये किसके बीच होगा, ये हुमायूं के बीच होगा, और अफगान शासक यहाँ पे इब्राहिम सूर इसके बीच होता है, और इसमें फाइनली हुमायूं विजयी होता है। तो किसके बीच हो रहा है, हुमायूं और अफगान शासक है इब्राहिम सूर, और इसमें कौन विजयी हुआ, हुमायूं इसमें विजयी हो गया। तो पहला युद्ध हुआ इसका निर्वासन के बाद, मच्छीवाड़ा का युद्ध, क्योंकि इस समय शेरशाह सूरी नहीं बचा हुआ है, उसका अंत हो गया है। तो हुमायूं और इब्राहिम सूर अफगान शासक है, हुमायूं विजयी हो गया इसमें। और दूसरा युद्ध इसको लड़ना पड़ा इसी साल, डेट के साथ याद रखेंगे, 22 जून 1555, सरहिंद का युद्ध, कब है, 22 जून 1555 को लड़ना पड़ा सरहिंद का युद्ध, ठीक है जी। ये किसके बीच हो रहा है, सरहिंद का युद्ध, ये भी अफगान शासक के साथ होता है, हुमायूं और अफगान शासक यहाँ पे है सिकंदर सूर, नाम ध्यान रखें, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच होता है, और इसमें भी हुमायूं विजयी हो गया। और अब क्या था, अब हुमायूं दिल्ली का फिर से, हिंदुस्तान का फिर से शासक बन गया। कोई बात नहीं, तो यहीं पे मेंशन कर लेंगे आप लोग, ये दो युद्ध लड़ने पड़े, मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, डेट के साथ याद रखना है 15 मई 1555, 22 जून 1555, ठीक है जी। इसके बाद अब 15 साल के बाद जो निर्वासन काल रहा, ये हिंदुस्तान का पुनः शासक बना, यानी अब हुमायूं हिंदुस्तान का पुनः शासक बन गया। और इसके बाद एक स्टेटमेंट जो बिल्कुल देखने को मिलती है, आपको ध्यान रखना है कि मुगल वंश का एकमात्र शासक जो दो बार शासन किया वो है हुमायूं, ठीक है। यहीं पे लिख लेंगे कि मुगल वंश का एकमात्र शासक जिसने दो बार शासन किया कौन है, हुमायूं, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, चला गया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये चीज, अब इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, दीनपनाह नामक पुस्तकालय, और वहीं पे पढ़ रहा होता है, जो भी हो रहा होता है, सीढ़ियों से लुढ़क लुढ़क के मर जाता है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जनवरी 1556 में
दीन पनाह नामक पुस्तकालय से। जनवरी का महीना 1556 का वो साल, दीन पनाह नामक पुस्तकालय, दीन पनाह नामक पुस्तकालय में सीढ़ियों से लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है जी, सीढ़ियों से लुढ़ककर इसकी मृत्यु हो गई। देखिए, निर्वासन भी रहा, युद्ध करता रहा, भागता रहा, शेरशाह सूरी ने बहुत दौड़ाया, फिर फाइनली इसकी मृत्यु हो गई। और लेन पुल नामक इतिहासकार का वो स्टेटमेंट जो आपको ध्यान रखना है कि मुगल वंश में कौन सा वो व्यक्ति रहा जो जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते उसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं, याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला स्टेटमेंट नोट करें हुमायूं के संदर्भ में। लेन पुल, क्या नाम है? लेन पुल नामक इतिहासकार ने क्या किया? एक कथन दिया कि भैया हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा, हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते इसकी मृत्यु भी हो गई। ये स्टेटमेंट लेन पुल इतिहासकार का है, हुमायूं के संदर्भ में ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हुमायूं के संदर्भ में लेन पुल नामक इतिहासकार का ये स्टेटमेंट, ठीक है। और देखिए, ऐसा बताते हैं कि हुमायूं शास्त्रों में भी विश्वास रखता था, जितने भी नक्षत्र ग्रह हैं सब में विश्वास रखता था। तो ये भी बोला जाता है कि सात रंग के कपड़े सातों दिन बदल बदल के पहन रहा है ना। तो ये इसका एक मान, एक इसका जो आप कह सकते हैं मान्यता, शास्त्रों को लेकर, नक्षत्रों को लेकर उसको मान रहा है। वहीं पे इसकी जो बहन है गुलबदन बेगम, वो कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में हुमायूं नामा की रचना करती है। गुलबदन बेगम जो इसकी बहन है, तुर्की भाषा में हुमायूं नामा जहाँ आ गया समझ जाइए तुर्की भाषा में लिखा हुआ है ना। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम नाम है, ऐसा बताते हैं इसकी बहन है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। और अंततः इसका जो समाधि है, मकबरा है, दिल्ली में बना दिया गया है ना। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना है, हमीदा बानो बेगम ने ही दिल्ली में इसका मकबरा भी बनवाया था, ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो हुमायूं का चैप्टर यहाँ पे हो जाता है समाप्त। तो हुमायूं के संदर्भ में इतने महत्वपूर्ण आपको जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं, क्या क्या अभियान किए, कैसे निर्वासन काल रहा, किसने इसको डिस्टर्ब किया, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है, बक्सर का जिसको बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद अब शेरशाह सूरी की बारी आई। शेरशाह सूरी के बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट जरूर जान लेते हैं जहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है जी। हेडलाइन दीजिएगा सूरवंश, 1540 से 1555 तक रहता है सूरवंश। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडलाइन दीजिए सूरवंश। सूरवंश 1540 से 1555 है ना। देखिए, जो आप लोग इतिहास का खंड देख रहे हैं बहुत लंबा सेगमेंट है, यहाँ पे आपको तीन खंड पढ़ने हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन हम लोग पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन ऑलमोस्ट शुरू होके अब लगभग समापन की ओर चलेगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जहाँ से प्रश्न आपको मिलने हैं। तो तीनों खंड आपको देखते हुए चलने हैं, कोई भी एक सेगमेंट नहीं छोड़ेंगे जो आपकी परीक्षा से बाहर चला जाए, ठीक है जी। टारगेटेड है SSC MTS, सो दोज पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशल MTS, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है ये सेशन, एक भी क्लासेस आपको मिस नहीं करना है शुरुआत से। जो बच्चा फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो, है ना, तो शुरुआत से सेशन को जरूर देखें ताकि क्रम आपका बना रहे, अच्छा इस क्रम में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल क्रमिक रूप में हम लोग आगे बढ़े हैं। बहुत आसान हो गया है इतिहास विषय, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाए रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला शासक आ रहा है शेरशाह सूरी, 1540 से 1545, 5 साल मामला इसका रहता है। तो कौन सूरवंश में कौन आता है? शेरशाह सूरी। बचपन का नाम हम देख चुके हैं, फरीद कहाँ है,
और मकबरा कहाँ है? सासाराम, है ना। 1540 से लेकर 1540 से 1545 मात्र 5 वर्ष इसका शासन चलता है। इसके बचपन का नाम ये सब हम लोग देख चुके हैं। हाँ, जन्म की बात करें तो पंजाब में इसका जन्म हो रहा है, आगरा बोले थे पंजाब है ना, ध्यान रखेंगे। 1472 में इसका जन्म पंजाब में, 1472 में इसका जन्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पंजाब, पंजाब लोकेशन ध्यान रखें, यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद इसके बचपन का नाम फरीद खान, ये हम लोग जान पाए। पिता का नाम इसके ध्यान रखेंगे हसन खां है, जो कि सासाराम का जमींदार है। पिता कौन है? हसन खां। इसके पिता का नाम है हसन खां, और ये हसन खां कौन है? सासाराम का जमींदार, सासाराम का, सासाराम का जमींदार है ना। तो जमींदार है, ये भी चाहता है कि भाई इसका पुत्र जो है एक योग्य शासक बने, आगे चल के पढ़ा लिखा शासक रहे, है ना। तो इसके लेके बड़ा चिंतित, और अब ये आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए जौनपुर निकल पड़ता है मतलब अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जौनपुर, जौनपुर जो कि उस समय शिक्षा का केंद्र है, और इसी के चलते इसको कहा जाता है जौनपुर को पूर्व का सिराज। सिराज बेसिकली एक शिक्षा को संबोधित करता है, शिक्षा के केंद्र को संबोधित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर। और ये शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाता है? जौनपुर जाता है, है ना। आई एस पी से मजाक कर रहे हैं, इतना सीरियस मत हो जाया करो, ठीक है। अगला लिखेंगे कि शेरशाह सूरी, है ना, फरीद खां, अभी तो फरीद खां है, बाद में शेरशाह, फिर शेर खां के नाम के उसके नाम से भी जाना जाएगा। तो जौनपुर, जौनपुर शिक्षा ग्रहण करने गया, जौनपुर शिक्षा ग्रहण करने ये चला गया। और जौनपुर को क्या बोलते हैं? जौनपुर को बोलते हैं पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर। क्लियर है जी, यहाँ पे ध्यान रखना है। और ऐसा बताते हैं, बिहार का एक सूबेदार होता है जिसका नाम है बहार खां, बहार खां नाम होता है उसके, यहाँ पे ये बेसिकली काम कर रहा होता है। फरीद खां को नियुक्त करवा दिया जाता है, बहार खां लोहानी नाम है, और वहाँ पे एक शेर को मार देता है, एक शेर को मार देता है, तब से इसका नाम शेर खां भी रख दिया जाता है। कुछ ऐसा बताते हैं, शेरशाह की उपाधि, शेर खां की उपाधि हुमायूं को पराजित करने के बाद ली, लेकिन एक उल्लेख ये भी मिलता है कि शेर खां की उपाधि किसने दी, ये भी नाम ध्यान रखें, और किस क्रम में मिली, शेर को मारने के क्रम में। तो एक पॉइंट लिखेंगे, बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे इसी में कि बिहार के सूबेदार, बिहार के सूबेदार ने, बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, लोहानी ने इसे, लोहानी ने इसे शेर मारने के क्रम में, शेर मारने के क्रम में शेर खां की उपाधि दी, शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि दी, शेर खां की उपाधि किसने दी है? बहार खां लोहानी, नाम याद रखना है, बिहार का सूबेदार है, है ना, ये चीज। अब इसके बाद ये शासक बन जाता है, है ना। और इसके कुछ युद्ध होते हैं, कुछ अभियान है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा, एक आप देख पाए चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हुमायूं के साथ हुआ, दोनों में पराजित किया। कन्नौज के युद्ध में फाइनली दिल्ली का सुल्तान बन गया, हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया, दिल्ली को राजधानी बना लिया। लेकिन उसके बाद जब शेरशाह सूरी शासक बन गया, उसके बाद के कौन से अभियान रहे, वो हम लोगों को देखने हैं, जहाँ से प्रश्न मिलता है, है ना। हेडलाइन दीजिएगा शेरशाह सूरी के अभियान, हेडलाइन दीजिएगा शेरशाह सूरी के अभियान। शेरशाह सूरी के अभियान, शेरशाह सूरी के अभियान, इसको हेडलाइन देके स्टॉप कर दें। कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध हम लोग पढ़ चुके हैं, 1547-1540, वो हुमायूं के संदर्भ में हुआ, दोनों में पराजित किया। कन्नौज के युद्ध में बिल्कुल स्पष्ट रहे, कन्नौज के युद्ध के बाद अपने आप को हिंदुस्तान का शासक ये घोषित कर देता है। और उसके बाद जब ये शासक बन गया, तो अब स्वयं के अभियान हो रहे हैं, उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो आने वाली एक दो क्लासेस में आपका ये मुगल वंश भी समाप्त हो जाएगा, फिर उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। इसका पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा, आप देख रहे होंगे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं सारे कमेंट देखता हूँ, हमारी टीम सारे कमेंट देखती है, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करेगी, ठीक है जी। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।